हाजिर हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड और जानते हैं क्या खास है आज के हमारे इस एपिसोड में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हाँ जी, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हमने आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि आज का जो हमारा वीडियो है वो आधार के ऊपर ही होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो के टॉपिक को ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल भी आधार के अपडेशन के ऊपर नहीं है, बल्कि वो है भारत सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि अगर हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो आधार के ऊपर ना होकर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है तो मैंने आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन क्यों किया है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, भारत सरकार ने आधार में ना कुछ नए बदलाव किए हैं। वो नए बदलाव क्या हैं आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं क्या है वो बड़े बदलाव जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जो के रिलेटेड है भारत सरकार से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया। ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करूंगा। उसे ओपन करने के लिए मैं गूगल में सर्च करूंगा UIDAI। जैसे ही मैं उसे सर्च करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे क्या होगा कि UIDAI.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार की वो दिखाई देने लग जाएगी। आपको जस्ट केवल उसे ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। वैसे मैंने नए अपडेट्स के बारे में जानने के लिए ना आधार की जो वेबसाइट उसे ओपन किया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं उस वेबसाइट में नीचे आया, नीचे आने के बाद उनके जो आधार के जो नए ट्वीट्स हैं जो के UIDAI की तरफ से किए जाते हैं, मैंने ना उसे ओपन करने की कोशिश की कि सोचा चलो देखते हैं क्या कोई नई अपडेशन आई है आधार। तो जैसे ही मैंने UIDAI के ट्विटर हैंडल को ओपन किया तो वहां पे जाने के बाद मैं एकदम शॉक हो गया। आप भी सोचेंगे कि ऐसी क्या हैरानी की बात वहां पे देखने को मिली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने आधार के जो ट्वीट्स देखने शुरू किए तो उनमें एक ट्वीट था 29 अगस्त को। तो देखिए वो ट्वीट क्या था कि विजिट एनी आधार केंद्र विद योर आधार टू अपडेट एड ईमेल आईडी इन योर आधार। चलो ये बात तो मान ली कि अगर आप अपने आधार में मोबाइल और ईमेल आईडी को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप अपने आधार केंद्र पे चले जाइए। और जो चार्जेस है ना वो देख के मैं हैरान हो गया। देखिए चार्जेस RS 50। देखिए दोस्तों क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल जो भी ऑफिशियल आधार केंद्र थे वहां पे कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन जैसे हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में सेवा केंद्र हैं जो कि ऑफिशियल आधार केंद्र नहीं है, लेकिन उनको परमिशंस दी गई है कि वो अपने बिहाफ पर अपडेशन कर सकते हैं। अगर सेवा केंद्र में हम जाते थे तो पहले भी मोबाइल और ईमेल अपडेट करवाने के लिए ₹50 की फीस लगती, ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत सरकार की ओर से वो बिल्कुल फ्री था। अगर UIDAI की तरफ से अब ₹50 फीस लगनी लग चुकी है तो आप सोचिए जो अनऑथोराइज्ड आधार केंद्र है वहां पे तो आपको दुगनी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या थी, जैसे ही मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद एक और ट्वीट था इनका, वो था 20
7 अगस्त का देखिए, वहां पे भी क्या लिखा आ रहा है कि आधार अपडेट चेकलिस्ट, यू कैन अपडेट मल्टीपल फील्ड्स इन योर आधार इन वन गो। लेकिन चार्जेस देखिए दोस्तों, चार्जेस फॉर ऑल एनी फील्ड अपडेट इन सिंगल अपडेट रिक्वेस्ट RS 100 इफ यू आर आल्सो अपडेटिंग बायोमेट्रिक्स, ठीक है, एंड RS 50 इफ ओनली डेमोग्राफिक डिटेल आर बीइंग अपडेट। तो देखिए दोस्तों, जो के ऑफिशियल आधार सेंटर्स में, मतलब के जो आधार केंद्र ऑफिशियल थे, उनमें जो बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाती थी, अब उनमें भी 50 और 100 रुपए तक फीस ली जाएगी। गांव में सेवा केंद्र है, उनमें तो जो फीस ली जाती थी 50 या 100 रुपए, वो तो दुगनी करके 100 या 200 रुपए तक पहुंच सकती है, 200 क्या 250 तक भी या 300 तक भी पहुंच सकती है। तो यही दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का मकसद था कि आपको बताना कि आधार वालों ने भी अपने ऑफिशियल सेंटर में अब फीस लेनी शुरू कर दी है। और ये हुआ किस कारण होगा, वो होगा भारत सरकार की परमिशंस के द्वारा। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप अपने आधार में अगर अपडेशन कोई करवाना चाहते हैं तो अब आपको दुगनी फीस जो है वो देनी पड़ सकती है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहां तक जायज है या अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप अपने आधार में, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने शुरू किया था ना कि हर एक इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए आधार से, तो मेरे हिसाब से तो फीस का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ऑफिशियल सेंटर्स में 50 या 100 रुपए की फीस ली जाती है तो आप अनऑफिशियल सेंटर्स में देख लीजिए कि फीस कितनी ज्यादा बढ़ाकर ली जाएगी और लोगों को परेशानी भी बहुत आएगी। तो यही दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन फीस को कितना जायज ठहराते हैं और आधार के जो इस फैसले को भी कितना जायज ठहराते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा आज का पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आम लोगों की आवाज भी पहुंच सके कि लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल जीडी टेकी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।